चैनल का नाम है कबूतर केयर। तो दोस्तों आज की इस टॉपिक है हमारी, हमारे व्हाट्सएप पे भाई कम से कम 4 भाई कमेंट्स आई थी। भाई कहने ये था कि वसीम भाई हमारे कबूतर सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे से ज़्यादा कबूतर हमारे नहीं उड़ रहे, तो आप कुछ बताइए। दोस्तों हमारी उनसे बातचीत वगैरह हुई व्हाट्सएप पे, तो भाइयों के नहीं था कि वसीम भाई हमने उनसे पूछे कि भाई आप पानी पिला के उड़ाते हो, कबूतर को खुराक लगाए हो, कुछ आप कुछ कबूतर को ताकतवर चीज़ दे रहे हो। तो भाइयों ने ये कहे कि यार वसीम भाई अभी हम कबूतर को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ना पानी पिला के उड़ाते हैं, ना जब कबूतर उड़ के आते हैं तब तो उनको बाहर खुले रहने देते, फोड़ते नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कबूतर टाइमिंग क्यों घटाता है, कबूतर अपनी टाइमिंग क्यों नहीं बढ़ाता है। तो वीडियो को बारीकी से एंड तक के देखिए, वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, और हमारे व्हाट्सएप पे हम आप कुछ भी आपके साथ इमरजेंसी आपको कभी बात करना है तो दोस्तों सिर्फ व्हाट्सएप पे ही आप मेरे से बात कर सकते हो। जैसे कि आप मेरे से कॉल करते हो, कब भाई कॉल आती मेरे पास। दोस्तों मैं क्या रहता हूँ मार्केट में, बीजी हमारी रेडीमेड की दुकान है, दिवाली का टाइम चल रहा है दोस्तों, जो उसमें इस बीच में हम फ़ोन उठा नहीं सकते। आप कुछ भी ऐसी दिक्कत हो रही है, आपसे अर्जेंट बात करना है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मेरा व्हाट्सएप जब भी मैं चालू करूँगा तो आपका रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगा, आप पूरा भरोसा रखिए। तो भाई दो कबूतर अपनी टाइमिंग क्यों घटाता है, सबसे पहले आप ये जानिए। जैसे कि आपने टाइमिंग कबूतर घटाने की वजह ये होती है, आप कबूतर को बे टाइम उड़ा रहे हो, आप कबूतर को बे टाइम उड़ा रहे हो, कबूतर को टाइम टेबल से नहीं उड़ा रहे हो, सबसे मेन चीज टाइमिंग कबूतर की वही ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद जैसे कि आपने कबूतर को सुबह उड़ाते हो, कबूतर को सुबह उड़ाते हो, पानी नहीं देके उड़ा रहे हो, कबूतर टाइमिंग वहाँ ख़त्म हो जाती है। कबूतर को सुबह पानी देके उड़ाओ, जब आपने कबूतर उड़ा दिया बे टाइम पे, कबूतर उड़ के जब नीचे आता है आप कबूतर को फोड़ते नहीं हो, वहाँ टाइमिंग कबूतर की कम हो जाती है, आप नहीं फोड़ते हो। ठीक है चलो बहुत से भाई ने कबूतर को उड़ के आने बाद कोण देते हैं, चलो अब कोणने के बाद 15 मिनट बाद कबूतर को पानी देना चाहिए, 15 से 20 मिनट बाद कबूतर को पानी देना चाहिए, कबूतर के वहाँ टाइमिंग में सुधार आ जाता है। तो दोस्तों कबूतरबाजी जो है आपको कभी सीखना है, आपको मजबूत बनना है तो सबसे पहले आप अपने आप को मजबूत करो, अपने आप पे आप कंट्रोल रखो। कंट्रोल किस तरीके से, जैसे कि हर इंसान में कबूतरबाज में जुनून होता है कि मेरे को कबूतर उड़ाना है उड़ाना है, बस सुबह का इंतजार करता कब सुबह हुई, जैसी सुबह होगी मैं अपनी छत पे जाके बैठ जाऊँगा, कबूतरों के बीच में कबूतर उड़ा के बैठ जाऊँगा। आप जब कबूतर उड़ाते हो, जब भी आप दड़बे के अंदर आप घुसते होंगे तो आपको दिमाग में ये बैठ जाती है कि फटाफट मैं कबूतर उड़ा दूँ, फटाफट कबूतर उड़ा दूँ, नहीं। आपको कभी अच्छी कबूतरबाजी सीखना है, आपको अच्छी कबूतर उड़ाना, कभी कबूतरबाज बनना है कि यार मेरा 10 लोग के बीच में मेरा नाम हो कि यार ये बंदे ने कबूतर अच्छा उड़ाता है, माशाल्लाह बहुत अच्छा खिलाड़ी है, कभी आप चाहते हो 10 लोगों के बीच में यार मेरा नाम हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मजबूत होना पड़ेगा, आप मजबूत हो गए तो आप कबूतरबाजी सीख गए, आप कबूतरबाजी सीख गए। मजबूत होने के लिए सबसे पहले जैसे कि आपने अपने आप पे कंट्रोल कर लिए कि नहीं यार अब मेरे कबूतर को टाइम टेबल से, कबूतर को खुराक पे, पानी पानी सब देके कबूतर को उड़ाऊंगा तो ही आपकी कबूतरबाजी अच्छी होगी। आप बस जब भी ये ध्यान देने वाली बात है, आप बस ये पॉइंट पे ध्यान रखो कि यार हाँ यार अपन ने गलती करे, हाँ हमने गलती करे। आप जैसे कि कबूतर को बे टाइम उड़ाते हैं
बेड टाइम मत उड़ाओ। बेड टाइम कैसे, आज आपने 8 बजे, कल 9 बजे, कल 12 बजे, यानी हर एक दिन आप कबूतर को बेड टाइम उड़ाते हो, तो यहाँ आपके कबूतर टाइमिंग कम हो जाती है। आप सुबह कबूतर उड़ाते हो, पानी नहीं देके उड़ा रहे हो, वहाँ कबूतर टाइमिंग कम। ठीक है, आपने कबूतर उड़ा दिए 10 कबूतर, 10 कबूतर आपने कबूतर उड़ा दिए, उसके बीच में आपने कुछ 19 कबूतर घुसेड़ दिए, जो कबूतर 15-20 मिनट उड़ते हैं, वहाँ एक गलती हो जाती है, वहाँ कबूतर टाइमिंग ख़त्म हो जाता। अब 15-20 मिनट वाला कबूतर डायरेक्ट वो आपके छतरी पे आगे बैठ जाता, तो उनके पीछे दूसरे कबूतर भी आगे बैठ जाते, वहाँ एक गलती हो जाती है। आप कबूतर को दाना बे टाइम दे रहे हो, यानी कोई टाइम नहीं दाने का, बे टाइम मैंने कोई टाइम नहीं, कबूतर उड़ के आगे छतरी बैठ गया, आपने दाना फेंक दिया, कबूतर दाना पानी खा के बैठने के बाद आप छतरी बैठ जाता है, तो वहाँ टाइमिंग कम हो जाती है। तो दोस्तों आपको हर चीज़ आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, आपको हर एक चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा। किस तरीके से, जैसे कि आपको अच्छा कबूतरबाज बनना है, अच्छा खिलाड़ी बनना है, भाई देखो सबसे मेन चीज़ होती है कबूतर की टाइमिंग। आपको टाइमिंग बढ़ाना है तो उसका दाने का टाइम एक बांध लो कि हमको 5 बजे खिलाना है तो हमको शाम में 5 बजे ही खिलाना है, हमको कबूतर को पानी पिला के उड़ाना है तो पानी पिला के उड़ाना है, सादा नहीं। आप जब भी कबूतर को पानी पिलाते हो और